नमस्कार, मैं नितिन कुमार शर्मा इस समय लखनऊ के आरटीओ कार्यालय आया हुआ हूँ और हमारे मंत्रियों का कहना है कि ये आरटीओ कार्यालय दलालों से मुक्त है और मैं इनकी हकीकत से लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो चलते हैं हम यहाँ और देखते हैं कि वास्तव में आरटीओ कार्यालय दलाल से मुक्त हुआ या नहीं। चलिए मेरे साथ में। सुनिए, पैसे किसको दे दो? सुन, जब हो जाए तब जाइएगा। वो करवाना है, रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है। कितना लगेगा? कौन सी गाड़ी है? मोटरसाइकिल। 1650। 1650 इंश्योरेंस है कि नहीं? इंश्योरेंस है। 888 उसका भी पड़ेगा। 888 888 1650। और पीयूसी वगैरह उसकी जरूरत है? और उसकी गाड़ी की तो वही चाहिए कॉपी जो नई नंबर प्लेट आई है, वो हम करा देंगे अपना पार्टी करेंगे। नहीं वो तो नहीं तो मैंने करवा दी। ठीक है, नहीं रोगे तो भी हम काम करा देंगे। तो सही लगाइए तो फिर करवाऊँ मैं। लास्ट रेट है भैया 1650 नो बार्गेनिंग रेट है। 150 क्या मुझे मिलना? बात सही है। 1550 150 मिलना है मुझे। अभी तो हम करा देंगे, कम करेंगे। 15 तक हो तो 1500 तक हो तो, क्योंकि इंश्योरेंस भी नहीं है हमारे। बाल बच्चा बैंक क्योंकि हाँ इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा आपको। आपको तो होगा अभी थोड़ा ड्रॉप करा देंगे दोनों का। नहीं वो अगर 1500 उसके ले लो प्लस 800 इंश्योरेंस के कितने हैं? 888 की रसीद है, सरकारी रसीद। हाँ तो वो ले लीजिए, करवा दीजिए तुरंत। हाँ वो आपकी बात सही है। देखिए मैं इसलिए मैं भी करवाना आया हूँ। 1500 वो ले लीजिए और आप जो 888 जो रसीद। देखिए मुझे करवाना है क्योंकि दो दिन है ना, मैं कोई बार्गेनिंग करना ही है वो करने आया नहीं। 1600 दीजिए, 100 रुपया मिल जाए, मेरे बाल बच्चे हैं। बात आपकी सही है। 1500 वो और ये अभी होगी इंश्योरेंस। कितनी देर में मिल जाएगी रसीद? रसीद कितनी देर में मिलेगी? तुरंत तो वो ले लीजिए 888 जो रसीद है, बाकी 1500 रुपये ले लीजिए। हमारे बाल बच्चे 50 रुपये माइनस करो, 100 रुपये। नहीं एकदम सही है। देखिए नहीं हमारे बाल बच्चा बैंक 100 रुपये। नहीं नहीं देखिए मैं कोई वो करवाने नहीं आया हूँ, मैं वही करवाने आया हूँ। देखिए बोलिए तो करें, आइए। ये गाड़ी है मेरी तो ये खत्म हो रहा है 19 तारीख को। कौन सी गाड़ी है? वो सीबी जेड है। ठीक है, इंश्योरेंस ले आइएगा, प्रदूषण ले आइए, हो जाएगा। तो कितना लगेगा? 1800 रुपये 5 साल का। कुछ कम पेपर ले आइए, करा देंगे। नहीं फिर भी कितने तक हो जाएगा ये बता दीजिए। वो तो दिया 1800 भैया, 150 कम दे देंगे जब कराने आओगे, कम कर देंगे। प्रदूषण और प्रदूषण इंश्योरेंस, ये नंबर प्लेट नई वाली लग गई है? नहीं अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दे, उसके हाँ। रसीद की फोटो कॉपी दे दीजिएगा, हो जाएगा। तो कितने 5 साल का होगा? कितने साल का? 5 साल ये गाड़ी के वो खत्म हो रहा है 15 साल 19 तारीख को। तो रजिस्ट्रेशन करवाना है इसका? रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल है, कार है? मोटरसाइकिल है। एक्सट्रीम? हाँ एक्सट्रीम है। आप ही का नाम है जी? तो क्या क्या लगेगा, कितना रुपए खर्चा होगा इसमें? सर खर्चा आ जाएगा करीब, ये बीमा इसका है कि नहीं? बीमा अभी तो नहीं है, बीमा करवाना पड़ेगा। तो फिर
बीमा होगा और वो आपका ये उसका नंबर प्लेट जो है नई नई वाली हाँ, हाँ, उसके लिए तो अप्लाई कर दिया कल कर दिया उसकी रसीद लग जाएगी फोटो कॉपी बीमा हो जाएगा वही 1700-1800 रुपये खर्चा आएगा। पोल्यूशन वगैरह? पोल्यूशन नहीं लगेगा, बीमा लगेगा, पोल्यूशन नहीं लगेगा। और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि कहीं चालान तो नहीं? अगर चालान होगा तो चालान कटवाना पड़ेगा। अभी सिस्टम पे जब रसीद कटवाएंगे तो पता लग जाएगा अगर चालान होगा तो। करीबन बीमा कितने का होगा? इसका बीमा वही 900 रुपये करीब आएगी। 900-1000 बीमा समेत या बीमा के अलावा हटके बीमा हमको अच्छा बीमा बात करते हो यार। 5 साल का बढ़ेगा, 5 साल का टैक्स जमा करना पड़ता है, ग्रीन टैक्स जमा करेंगे तब जाकर रिन्यूअल होगा। कैसे ही 5 साल का ये इसका टैक्स, मोटर टैक्स, रोड टैक्स और ग्रीन टैक्स जमा करेंगे तब बनता है। 1800 रुपये खर्चे ना, क्योंकि 19 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। हाँ आज रसीद कटवाइए ना। हाँ ये भी फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन करा 19 को ख़त्म हो रही है। कल ध्यान दिया गाड़ी, क्योंकि वो हमारा तो लिंक था नहीं उस समय मोबाइल बहुत पहले। कोई दिक्कत, 1800 रुपये खर्चा जाएगा। 1800 नहीं, नहीं नहीं बीमा हटा के बीमा छोड़ के ये नहीं, 1800 रुपये आपको देने, 1700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। गाड़ी अगर लाए हो गाड़ी अभी उसका चेचीज वेचीज मार्क करा दिया जाए। नहीं गाड़ी तो अभी नहीं लाया, गाड़ी ले आना पड़ेगा। गाड़ी लाया नहीं होगा। हाँ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल फिटनेस है, उसको फिटनेस ही कहते हैं। फिटनेस 5 साल बढ़ाया जाएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।